हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए एपिसोड में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी उनके पास डीप नॉलेज है इस सब्जेक्ट का। अगर आपको इंटरेस्ट है हिंदू स्क्रिप्चर्स में, अगर आपको इंटरेस्ट है वेदास में, उपनिषद में, कि क्या उनकी नॉलेज थी, क्या हमारे जो सीयर्स थे, सेंट्स थे, क्या उनके पास ये वैदिक नॉलेज थी जो आज के समय से भी हजारों गुना एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, क्या वो पार थी हमारे चैंट्स में, वैदिक चैंट्स में, कि कैसे आग लगा दिया करते थे, चैंट से इग्नाइट कर देते फायर, कैसे राम सेतु जो आज अगर हम सोचें कैसे पत्थर कोई समुंदर पर तैर सकते हैं, तो इन सारी इंटरेस्टिंग चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मेरे दोस्त अरिदमन कौंडिन्या, जो अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं और सनातन धर्म की पोस्ट देखते हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। नमस्ते सभी को। तो वेलकम करता हूँ अरिदमन भाई मैं आपका। जी बिल्कुल, नमस्ते आपका और बहुत अभिनंदन कि आपने ये जो है ये पूरा पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करा है जिससे कि हम जान सके और लोग भी जान सके कि इन सब चीज़ों का महत्व क्या है या इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ें कैसे हुई, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था ये। और आपका बहुत थैंक यू भाई, आपने टाइम दिया। जैसे मैंने आपकी पोस्ट देखी है तो काफी इंटरेस्ट आता है उनके अंदर, क्या हमारा नॉलेज था, क्यों ये मिलेनियल और जेंजी जो टीन है ये भूलते जा रहे हैं, और आप अभी 10th क्लास में होकर ही इन स्क्रिप्चर्स पे अध्ययन कर रहे हैं, तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं आपका। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे पहले क्वेश्चन से कि संस्कृत को माना जाता है ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, ऐसा माना जा रहा है कि, ऐसा कहा भी जाता है कि संस्कृत इज गॉड्स ओन लैंग्वेज, कि भगवान की खुद की लैंग्वेज संस्कृत है। और अभी मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें वो बता रहे थे कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कोडिंग पर्पस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या ये सही है या फिर सिर्फ मिथ है? देखिए ये बिल्कुल सही है, और बेसिकली हम जब संस्कृत बोलते हैं, हम संस्कृत को कहते हैं, हमने अक्सर सारी जितनी भी भाषाएं आज तक हैं संसार में उन सब की ये माँ है। तो कभी कभी देखने को लगता है कि यार ऐसा क्यों कहा है, या शायद ये कुछ बोलते हैं, हम सोचते हैं ना कि शायद ज्यादा कह देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हर लैंग्वेज की अपनी एक उद्भव है, हर लैंग्वेज अपने तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस में आई है, और ये रियलिटी है कि हर लैंग्वेज अपना जो ओरिजिन होता है वो अपने तरीके से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर्ड होती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत का जो ओल्डेस्ट आप बुक इस वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट बुक आपको मिलेगी तो वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद इज टोटली रिटन इन संस्कृत, तो इट्स अ संस्कृत टेक्स्ट। और ब्राह्म संस्कृत है, वो ब्राह्मी संस्कृत है जो ओल्डेस्ट संस्कृत जिसे हम कहते हैं, जिसको समझना, उसको ट्रांसलेट करना भी बहुत मुश्किल है, तो वो ऐसी संस्कृत के अंदर है। और वो सबसे पुरानी लिटरेचर हम अगर देखें, सबसे पुराना कोई स्क्रिप्ट देखें तो वो ऋग्वेद है। इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत के पीछे का हम ओरिजिन नहीं देखते हैं कि संस्कृत कहाँ से आई, लेकिन हाँ हमें संस्कृत का ओरिजिन पता है कि हाँ संस्कृत से बाकी सब लैंग्वेजेस आई। अब इसको हम क्यों ऐसा कहते हैं कि जैसा आपने बोला कि ये हमारे कोडिंग में भी ज्यादा लाभकारी होती है, कोडिंग में अच्छी होती है, तो 6th और 7th जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, सो दे आर वर्किंग ऑन मेकिंग देम टोटली संस्कृताइज, कि उनको वो संस्कृत के अकॉर्डिंग उसको बनाया और उसकी जो मेन लैंग्वेज है वो संस्कृत हो। क्योंकि एक वहाँ के ही रिसर्चर है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आज के जो हम कंप्यूटर देखते हैं, अगर इनमें संस्कृत इनकी मेन लैंग्वेज हुई तो ये जो आज के जो कंप्यूटर है इनसे कई अधिक गुना फास्ट काम करने वाले कंप्यूटर्स होंगे। तो उसकी जो डेडलाइन है इट्स 2025 से लेके 2034 तक का जो समय है, इसके बीच ये जो 6th-7th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको आने का कहा गया है, और ये संस्कृत बेस्ड होंगे। और एक
पूरा डिपार्टमेंट नासा में है जो इस पे रिसर्च कर रहा है. इवन दे आर हायरिंग पीपल हु नो संस्कृत ग्रामर, ये जिनको पता है कि संस्कृत व्याकरण क्या है, संस्कृत क्या है. बेसिकली ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है. और हम लोग अभी, मैं भी किसी उस फील्ड से नहीं हूँ कि मैं भी अभी टेक्नोलॉजी के फील्ड से नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं कह सकता कि हाँ उसमें क्या है ऐसा. लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि कुछ तो है जो लोग उस पर कार्य कर रहे हैं और लोग उस पर उसको आगे ले जाना चाहते हैं. और एक बहुत चीज नोटेबल संस्कृत की होती है कि हम इसको देवभाषा इसलिए कहते हैं कि इट्स यू नो इट्स मैजिकल. आप कह सकते हो कि बहुत ही अलग भाषा है. जैसे कि अगर इंग्लिश में मैं किसी शब्द को बोलने, कोई चीज मुझे कहनी है, उसके लिए मेरे को चार शब्दों का प्रयोग करना है या मुझे पांच शब्द लग रहे हैं, संस्कृत के अंदर वो एक ही शब्द में पूरी हो जाती है. जैसे कि मैं कहता हूँ माई नेम इज अरिदमन, संस्कृत के अंदर बोल देंगे अरिदमनो हम, वो खत्म. तो वो उसी में शब्द संपदा जो है वो बहुत कम यूज होती है. जो चीज आप इंग्लिश में बहुत बड़ा करके बोलेंगे वो संस्कृत में बहुत ही छोटे शब्दों में आ जाएगा. तो ये चीज देखने को संस्कृत के अंदर बहुत ज्यादा मिलती है, पूरे लिटरेचर के अंदर मिलती है. और सबसे ज्यादा वोकैबुलरी इसके अंदर है संस्कृत के अंदर. जैसे कि इसके अंदर 78 करोड़ 50 लाख वर्ड्स आर यूज्ड इन संस्कृत लिटरेचर टू डेट, कि इतने वर्ड्स कहीं यूज नहीं हुए. और एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये है कि सिनोनिम्स हम देखते हैं, पर्यायवाची किसी चीज का देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम हिंदी में भी पढ़ते हैं या इंग्लिश में भी होता है. इंग्लिश में तो इतने सिनोनिम्स हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन तब भी हम अगर जानते भी है पर्यायवाची तो क्या लिखते हैं, एक आ गया स्त्री शब्द आ गया उसका लिख दो औरत महिला, ठीक है, दो लिख देंगे, तीन लिख देंगे, नारी लिख देंगे. लेकिन संस्कृत के अंदर एक शब्द के सैकड़ों आपको पर्यायवाची मिल सकते हैं. जैसे कि हाथी, एलिफेंट जो ये शब्द है, इंग्लिश में इसके कितने सिनोनिम होंगे, एक दो होगा, तीन होगा, चार होगा, लेकिन संस्कृत के अंदर इसके 100 है. देर आर 100 सिनोनिम एलिफेंट. एक हाथी शब्द के 100 शब्द और मिलेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए. पानी जो है, जल जो है, इसके अलावा भी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो ऐसी लैंग्वेज, तो 122 तो ऑथराइज मिलते हैं. अब लव, लव जो शब्द है, प्रेम जो शब्द है, इसके कितने सिनोनिम इंग्लिश में मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे. और वो भी बड़ा डिफरेंटली वो इसको क्रिएट करते हैं, उसको बिठाते हैं कि सेंस में वो आ जाए लैंग्वेज की. लेकिन संस्कृत के अंदर इस प्यार के, प्रेम के आपको बहुत सारे सिनोनिम्स मिलेंगे. ऑलमोस्ट 96 आपको उसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे. तो ये उसकी खासियत है, इसलिए हम कहते हैं कि इट्स लॉजिकल, यू नो, मतलब बहुत ही चीजें देख करके ये लैंग्वेज आई है एग्जिस्टेंस के अंदर. और एक और चीज है कि इट्स वेरी यू नो बहुत क्लिष्ट है. हम इसको समझना है तो हमें बहुत देखना पड़ेगा. जैसे कि अगर एक शब्द आता है, उसके अंदर आता है सेंधव, तो सेंधव का मतलब घोड़ा भी है, सेंधव का मतलब नमक भी है, और भी कई मतलब होते हैं. फिर हमें उसे ज्वाइन करना है कि रियल में ये इसमें फिट क्या बैठ रहा है, वरना उल्टा अर्थ हो जाएगा. तो बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो संस्कृत के अंदर है. और एक बहुत अच्छे रिसर्चर हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, सर विलियम जोन्स, तो वो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े ज्ञाता थे. उन्होंने ये कहा है कि इवन ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, व्हाट वी नो एज लैटिन इज द ओल्डेस्ट वी सी इन वेस्टर्न वर्ल्ड, तो लैटिन जो है उससे उद्भव में सारी लैंग्वेज आ रही है, ग्रीक हो, इंग्लिश हो. तो कह रहे हैं इनका भी जो बेस है वो बेसिकली संस्कृत है, इनका भी बेस संस्कृत है. उन्होंने एक रिसर्च में इसको सिद्ध करा, इसको उन्होंने रखा. इधर ही भाई मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा. अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिनमें उन रिसर्चर ने ये प्रूव करा कि कैसे जो संस्कृत है वो बेस है सारी और सिविलाइजेशन का, चाहे जो भगवान वर्ड है उसी से आगे जाकर ट्रांसफॉर्म होकर खुदा बना. पर्शियन सिविलाइजेशन में गया तो वो खुदा बना, उधर होलैंड या मतलब इस साइड गया तो उधर जाके वो बनाया उन्होंने डिविनिटी. कैसे हमारा जो सारी संस्कृत मेनली एटमोलॉजी है इंटर ये क्रिएट करती है और सिविलाइजेशन की कल्चर को और लैंग्वेजेस को. और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है भाई कि जो भी हम मेजर रिसर्चर्स की, जो भी हम मेजर साइंटिस्ट की बात करते हैं, अरविंद श्रोडिंगर या फिर निकोला टेस्ला, वो एडमिट करते हैं कि कैसे उन्होंने वेदास या उपनिषद्स पर रिसर्च करा, वेदास या उपनिषद्स पर गहन अध्ययन करा, जिसके बाद उन्हें ये
लाइट मिली कि वो कैसे ये चीजों पर रिसर्च कर सकते हैं और कैसे असलियत में ये आगे जाकर ये चीजें असल में हुई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो आपने बोला कि वर्ड्स का जो है इंग्लिश का और इन सब चीजों का जो है उद्भव संस्कृत है, तो वो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। जैसे कि भगवान और खुदा, इसको तो प्रूव करने में हमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि कैसे खुदा बना, लेकिन बहुत नॉर्मल बेसिक वर्ड जैसे कि मस्किटो, मच्छर, तो मस्किटो केम फ्रॉम मशक, ठीक है। कैश, दिस कैश वर्ड केम फ्रॉम कर्षण, ठीक है। और ऐसे कई वर्ड्स है जो, और शुगर, शुगर केम फ्रॉम शर्करा, तो जो शुगर है ये शर्कर से, तो ये सब संस्कृत के वर्ड से आया है। और दिव्य से बना डिविनिटी, वेद और उपनिषद जो आपने कहा निकोलस टेस्ला, उनका भी इसमें होता है। तो पहले तो हमें समझना होगा कि एक्चुअली उपनिषद और वेद है क्या। तो बेसिकली वेद, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, हम जो मानते हैं, बेसिकली आज हम रिसर्चर्स को देखते हैं, यहाँ क्या रिसर्च होती है। व्हेन आई वाज इन फिफ्थ और सिक्स्थ, आई यूज्ड टू स्टडी दैट कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3000 साल पुरानी है, कुछ ऐसा 3000 3500 कुछ ऐसा पढ़ते थे। लेकिन अब जब मैं टेंथ में आ चुका हूँ तो ये नई रिसर्च हो चुकी है और इट इज प्रूव्ड कि वो सिविलाइजेशन 8500 ईयर्स ओल्ड है, 8500 साल पुरानी वो है, ठीक है। अब उनकी एज बढ़ रही है और उनके ट्रेसेस, बहुत ट्रेसेस देखने को मिलते हैं जो बहुत पुराने, जैसे कि एक विग्रह है, एक आइडियल है विच इज सेड टू बी 30,000 ईयर ओल्ड, वो प्रूव्ड है कि वो अमेरिका के किसी कंटिनेंट में मिला था और वो बिल्कुल ऐसा डिपिक्ट करता है जैसे हम लोगों के यहाँ मूर्तियां देखते हैं, बेसिकली साउथ के अंदर जो हम कल्चरल मूर्तियां देखते हैं। तो ये जो वेद है, बेसिक अगर हिस्टोरियंस इस चीज को कह देते हैं कि ये तो अभी इतने वर्ष के है, कुछ बीसी में उसको बांध देते हैं 3500 साल, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू आर वैदिक कल्चर वी हैव आर ओन यू नो कैलेंडर, वी हैव आर ओन सिस्टम ऑफ काउंटिंग द टाइम। अब कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है कि हम लोग जनरेशन से आज तो वो चीज नहीं रही है, लेकिन ऑथेंटिकली जिन घरों में फॉलो होता है आज भी वो कल्चर, तो जनरेशन वाइज दे गिव अ यू नो संकल्प, एक हम एक चीज पढ़ते हैं संकल्प पाठ, तो उसके अंदर हम रोज डेली किस टाइम पे, किस मुहूर्त पे और इस वर्ल्ड को बने हुए कितने साल हो गए हैं और मैं कौन से साल के, कौन से दिन के, कौन से समय के, कौन से मुहूर्त पे, टाइम पीरियड पे बैठ के ये काम कर रहा हूँ, उसको मैं नोट करता हूँ जब भी मैं कोई पूजन करता हूँ, और ये लोग आज भी करते हैं। सो इट्स अ जनरेशन थिंग कि मेरे पिताजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे, तो ये हमारी लीनिएज आ रही है, तो हमें पता है कि इस वर्ल्ड को बने कितने साल हुए। हम कभी भी उस रिसर्च में नहीं जाते कि ऐसा था जी 10,000 साल 5,000 साल, नहीं, क्योंकि उससे पुराने उसके आगे के प्रूफ भी आपको मिल सकते हैं और इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो रहा है, बेशक उसको आप किसी चीज में कन्फाइन कर दो ऐसा है या वैसा है। तो वेदों को हम मानते हैं कि वेदास आर यू नो इट टेल्स अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, इट टेल्स अबाउट आवर एब्सोल्यूट रियलिटी। हमारे यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि एक भगवान होते हैं, ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम भोग लगा रहे हैं। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि भगवान कोई अलग एंटिटी है। अगर आप बेसिक वैदिक कल्चर में जाओगे तो हम जब पूजा करते हैं, वैदिक कोई चीज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं असावादित्य, हम अपने दिल पे करके कहते हैं असावादित्य, हम ब्रह्मी वाहमस्मी, इसका ढूंढ रहे हैं बाहर, ब्रह्मी वाहमस्मी, वो मैं ही हूँ, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना मैं ही हूँ, जिस सुख को मैं ढूंढता हूँ मैं ही हूँ। तो वेद जो है वो एंशियंट, हम कहते अनंत, जब से ये दुनिया बनी है और ये जब नहीं रहेगा, ये नेचर ऐसा नहीं रहेगा, दो प्रकार के हैं। जैसे आपने वेद उपनिषद पूछा, तो वेद आर ऑफ टू टाइप, वन इज फिजिकल बुक जो पब्लिश हो जाती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, सेकेंड इज प्रैक्टिकल वेदास विच वी आर लिविंग इन, जो साइंस में हम रह रहे हैं ये वेद ही है, और जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो उसको आपने पब्लिश कर दिया। एक वैदिक मंत्र के हजार अर्थ हो सकते हैं, एक किसी स्क्रिप्चर के, किसी रिलीजन के, किसी ग्रंथ के कितने अर्थ कर लेगा कोई, एक दो घुमा फिरा के,
लेकिन वेद के एक मंत्र की ऑथेंटिकली आप हजारों अर्थ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन मेंटालिटी. सो दैट्स द हम कहते हैं ना वर्सेटाइल होना, वो हर एक के लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं. तो एक वेद क्या कंस्टिट्यूट करता है, उपनिषद वेद आरण्यक ब्राह्मण ये सब बनकर के एक ग्रंथ बनता है, ये एक एक चीज बनती है और ये वेद ही कहलाता है. लेकिन वेद जो है उनको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसके अर्थ बहुत अजीब हो सकते हैं, बहुत एक्यूरेट भी हो सकते हैं और बहुत उल्टे भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वंस ओन वृत्ति, उसके नेचर, वो उसके अर्थ करता है.